पल में पहुंचने वाले कलेक्ट्रेट। जी प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच गया है अमनदीप, प्रधानमंत्री का काफिला कलेक्ट्रेट पहुंच गया है और लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है उसको देखकर। प्रधानमंत्री मोदी कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं और बिल्कुल आप इस वक्त वो वही काफिला देख रहे हैं, ये उसका रियर एंड है जो उसकी पीछे गाड़ियां होती हैं, इस वक्त आप उसको देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, एंट्री कर ली है प्रधानमंत्री मोदी ने कलेक्ट्रेट में। अब वो परिसर के अंदर दाखिल और वहीं पर उनके प्रस्तावक और उनके नॉमिनेशन में जो हाई प्रोफाइल बड़े चेहरे एनडीए के घटक दलों के और भाजपा के बड़े चेहरे हैं वो सभी अंदर उपस्थित हैं। बड़ी खबर यह है इस वक्त न्यूज 18 पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आ चुके हैं और आप देखिए कि उन्होंने यहाँ पे लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है और इस अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री का काफिला अब इस वक्त आगे बढ़ रहा और यहीं पे गेट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उतर जाएंगे और यहाँ से कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद है तो वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं उनका, अभी वो गाड़ी में। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। अब देखिए कई लोग उनका पहले से इंतजार कर रहे थे क्योंकि बनारस वासियों में खासा उत्साह होता है प्रधानमंत्री को देखने का, एक एक झलक पाने के लिए लोग काफी घंटों इंतजार भी करते रहते हैं। और देखिए सड़क के दोनों तरफ हाथों में मोबाइल लेकर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, और जब प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरेंगे तो माना जा रहा है कि इन सभी लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए आपको नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए गाड़ी से उतर गए हैं, कलेक्ट्रेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अंदर तमाम बड़े लीडर्स इस वक्त मौजूद हैं और बस कुछ ही पल बाद अब वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो कलेक्ट्रेट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18। तो नामांकन स्थल से लगातार लाइव कवरेज जारी है। रामगोपाल, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं कलेक्ट्रेट के अंदर, बस कुछ ही देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इसी गेट से प्रधानमंत्री ने एंट्री की है और वो इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जा चुके हैं और चूंकि उन्होंने जब वो वहां पे उतरे तो जो भाजपा के कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे, भाजपा के वर्कर मौजूद थे, उनका उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। अभिवादन स्वीकार करने के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश किए हैं। जो एसपीजी के जवान थे, एसपीजी की गाड़ियां हैं, वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं और आप देखिए कि जो सुरक्षा घेरा है वो बेहद सख्त हो चुका है चूंकि इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पहले ही यहाँ पे पहुंच चुके थे, वो लोग अंदर वहां पे मौजूद हैं और अब इस वक्त प्रधानमंत्री ने जो नामांकन किया है यहाँ पे शुरू हो जाएगी और जो चारों तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर और साथ ही चेहरे पर एक मुस्कुराहट और सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए ये देखिए और आगे बढ़ रहे हैं कलेक्ट्रेट की तरफ। अंदर कई सारे नेता उनका इंतजार कर रहे हैं, पार्टी के कई दिग्गज नेता, और ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है 2014 की जब बनारस से पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे जीत दर्ज की। उसके बाद में दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 2019 की, और 2019 में भी बनारस से ही प्रधानमंत्री ने चुनाव लड़ा था और जो मार्जिन था, वोटों का अंतर था, वो और ज्यादा बढ़ गया था। और अब तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। दावा यही बीजेपी का कि इस बार जो जीत का अंतर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 2014, 2019 और 2024 की, ये तीन तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। और साथ ही अब कुछ ही देर में 2014 और 2019 जैसी ही आप तस्वीरें देखेंगे जब 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरी बार बनारस से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। हालांकि इस बार बीजेपी के कई कद्दावर नेता कलेक्ट्रेट के अंदर प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सभी नेता पहले पहुंच चुके थे, 11 राज्य के सीएम और साथ ही 20 केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक, तमाम बड़े जो लीडर्स वो भी इस वक्त कलेक्ट्रेट के अंदर मौजूद है। साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है और साथ ही आप बनारस की जनता का उत्साह देखिए कि एक एक झलक पाने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जहां से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा है, बड़ी संख्या में लोग घंटों पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए पुलिस भी अपना काम करने में लगी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग
बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे हैं। आस्था का रुख कर लेते हैं। आस्था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं, अब बस कुछ ही पल और, जिसके बाद में शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं। जैसे ही उन्होंने एंट्री की, जनता का उत्साह देखने वाला था, सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई और प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। लोगों से पूछते हैं उनका अनुभव कैसा रहा, झलक मिली पीएम की? जी जी, अच्छा देखा आपने? मिले, बहुत अच्छा लगा कि बनारस काशी की धरती पे मोदी जी का मतलब आगमन हुआ, और उस समय आगमन हुआ कि जब वो अपना पर्चा दाखिला करने जा रहे थे। इस बार बनारस में इतना भव्य जीत होगा, पूरे भारत रिकॉर्ड होगा बनारस में। आप बताइए, आपने लिखा है हमार काशी हमार मोदी, मोदी कैसन तुम्हार? मोदी हमार दिल के आत्मा बा मोदी, वही अइलन तब काशी के विकास भइल, और वही देखे के खातिर तीसरी बार अइली हम, तीसरी बार महावीर। कुछ और लोगों से बात कर, मोदी तीसरी बार काशी में, इसके क्या मायने हैं आप लोगों के लिए? हम तो चाहते हैं जब तक मोदी जी रहे तब तक काशी में रहें और देश के प्रधानमंत्री बने, विश्व में हिंदुस्तान का नाम हो, जन जन में उनका सम्मान हो, और ये हम लोग का दिल से इच्छा है, महादेव से प्रार्थना है। इस वक्त मात्र 50 कदम की दूरी पर है आप प्रधानमंत्री मोदी से, अंदर परिसर में हो या बाहर? पे नहीं, उनके दिल में है, वे हमारे दिल में, हम उनके दिल में है, और काशी चाहती है कि वे यहाँ से सांसद बने और हम लोगों को बना के भेजा जाए, हर साल हर बार रिकॉर्ड बढ़ा के भेजा जाए। तो और मजबूती से चुनाव जिताएंगे मोदी? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे मजबूती के साथ चुनाव जीतेंगे, और जो काशी का विकास हुआ है, उस विकास के बाद जो पूरे वर्ल्ड को, हिंदुस्तान को दिख रहा है कि काशी में मोदी जी के रहने के कारण काशी में आज रोजगार बढ़ा है, काशी में आज विकास हुआ है, सड़कें बनी है, सब कुछ बना है, तो जो इस विकास हुआ है मोदी जी ही मोदी है बनारस में पूरा। तो जनता देखिए काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर भी, और साथ ही जो तस्वीर बनारस की पिछले 10 सालों में बदली है उसको लेकर भी लोग खासा खुश नजर आ रहे हैं। और चलिए रामगोपाल का रुख कर लेते हैं। रामगोपाल, वाराणसी की अलग अलग तस्वीरें हम देख रहे हैं, बनारस के अलग अलग रंग देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन को लोग एक त्योहार के तौर पर मना रहे हैं, पर्व के तौर पर मना रहे हैं, विशेष साज सज्जा और साथ ही लोगों में उत्साह उमंग और उसके अलावा कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन। बिल्कुल बिल्कुल, और इस वक्त अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री जो है अंदर कलेक्ट्रेट परिसर में अंदर मौजूद हैं और उनके साथ जो प्रस्तावक है वो मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यहां पे मौजूद हैं। जब वो गेट के बाहर मौजूद थे तो यहां पे चूंकि जहां से एंट्री करनी थी वहाँ आम लोगों को आने की पाबंदी करीब 300 मीटर पहले से ही रोक दी गई थी। हम मीडिया लोग कर्मी कुछ यहाँ पे जरूर आ पाए किसी तरीके से, लेकिन इतना उत्साह यहाँ पे देखने को है, इतना गजब का वो, कि घंटों से जो महिलाएं हैं घंटों से यहाँ पे खड़ी हुई हैं, वो इंतजार कर रही थी कि कब प्रधानमंत्री आएंगे, यानी कि ये सुबह से ही आ गई। एक बैरिकेटिंग वहाँ पर की गई है और वहीं पर वो खड़ी हुई थी, चूँकि प्रधानमंत्री ने वहाँ पर हाथ हिलाया, उनका अभिवादन स्वीकार किया, तो आप उत्साह का अंदाज़ा यही लगाइए कि गर्मी यहाँ पे 40 डिग्री से ऊपर का तापमान है और लोग धूप से परेशान है, उसके बाद भी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और कल से ही पूरे काशी में वो एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। उनका यह कहना है कि ये किसी त्यौहार से कम नहीं है, हम त्यौहार मना रहे हैं और त्यौहार की तरह इसको ले रहे हैं। आप देखिए कि जो गेट है, गेट पे ये जो महिलाएं खड़ी हैं, जो भाजपा की टोपी लगा के, प्रधानमंत्री की टोपी लगा के वहाँ पे खड़ी हैं, वो सुबह से इसी धूप में ऐसे ही खड़ी हैं। आम दिनों में अगर किसी को इस तरीके से खड़ा कर दिया जाए तो वो बीमार हो सकता है, लेकिन इनके अंदर जो उत्साह है, जो इनकी जो नरेंद्र मोदी के प्रति प्यार है, वो प्यार इनको यहाँ पे खड़ा कर रखा है, और इस तरीके से ये यहाँ पे सुबह से खड़ी हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। और जैसे ही प्रधानमंत्री उतरे हैं, प्रधानमंत्री ने उतरते हैं इन लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, चूंकि प्रधानमंत्री का जब उतरे तो तुरंत एसपीजी के जवानों ने, रामगोपाल अगर संभव हो सके तो जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि महिलाएं खासा खुश नजर आती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर।
बिल्कुल, चूंकि जिस एरिया में हम लोग खड़े हैं उस एरिया से उधर जाना हम लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है और हम लोगों को एक दूसरी बैरिकेटिंग में बांध दिया गया है, तो हम लोग भी बहुत अधिक हिल नहीं सकते हैं और कुछ विजुअल्स की हमारी मजबूरी है कि प्रधानमंत्री जब कलेक्ट्रेट से निकलेंगे तो यहीं से आएगी, तो हम लोग यहाँ से हट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की तस्वीर हो या फिर जब कलेक्ट्रेट में उनकी एंट्री होती है, आस्था कौशिक के पास में चलते हैं, उनके आसपास काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। आस्था, जरा बातचीत कीजिए वाराणसी वासियों से कि कितना ज्यादा उत्साहित है, हालांकि वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं कि मानो बनारस में कोई एक त्योहार मनाया जा रहा हो, बिल्कुल पर्व के तौर पर लोग प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन को देख रहे हैं। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ से होकर के गुजरा, आपने देखा उनको? हाँ देखा, देखा, बहुत उत्साह है यहाँ लोगों में और मोदी जी इस बार 400 नहीं 404 से नीचे नहीं आएंगे। अच्छा। और जो है कोई बनारसी 400 के नीचे बात ही नहीं कर रहा है, लोगों का बस सिर्फ 500 काम ही ऐसा है कि समझ लीजिए कोई नेता अभी तक ऐसा नहीं होगा कि जो अपने संसदीय क्षेत्र में इतनी बार आया होगा। जनता त्रस्त हो गई है कि इतना कोई प्रधानमंत्री, आप बताइए उत्तर प्रदेश में 80-80 सीटें आएंगी, देश में पूरे 405। और आज जो मोदी जी के नामांकन में जो आ रहे हैं, आज अगर 12 स्टेट के सीएम और एनडीए के जो बड़े दिग्गज नेता जो है, इससे ये हो रहा है कि मोदी जी अब की बार 400 पार। मोदी जी के आने के बाद बनारस का कायाकल्प बदल गया है और कोई कल्पना नहीं कर पाएगा, अगर जो 10 साल बाद आया होगा यहाँ बनारस में तो उसको ये विश्वास होगा कि देखने के बाद जो है ये जो है बनारस में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री को वोट देते हैं। तो भाग्यशाली भावनाएं, न भूतो न भविष्यति वाला हाल इस वक्त जो है वो पूरे बनारसियों का हो रखा है। कुछ बच्चे हैं, ये बताइए भाजपा की मोदी जी की टोपी किसने पहनाई आपको? लोगों ने अच्छे लगते हैं आपको मोदी? हाँ। कितने अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। क्या बढ़िया लगता है? बहुत कुछ, इतना काम करे हुए बनारस में बहुत कुछ अच्छा लगता है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में। क्या बढ़िया लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी को देखकर? अच्छा लगता है। हाँ। क्या क्यों मोदी मोदी कर रहे हो यहाँ पे, बताओ उन्होंने क्या किया है, कैसा लगता है शहर? अच्छा लगता है सर। अच्छा लगता है। हाँ। आप बताओ क्या है? इतना काम करवाए बनारस में हर जगह। अच्छा। चलिए कुछ और लोगों का रिएक्शन लेते हैं, आप बताइए, आपने तो बहुत से वोट दिए होंगे अपने जीवन काल में, ऐसा चुनाव कल रोड शो में पांव रखने की जगह नहीं थी सड़क पे, हजारों हजार की भीड़, ऐतिहासिक रोड शो, लाखों में भीड़ थी, लाखों में 10 लाख से ऊपर भीड़ थी लगभग कल। ये जुनून है हृदय मोदी जी जो दिल में बसे हैं, कण कण में महादेव और दिलों दिलों में मोदी जी बसे हुए हैं। पैदा नहीं हुआ है, एकदम इतिहास रचा जाएगा इस बार में, इतने वोट्स ये जीतेंगे, कोई विपक्ष में बचेगा ही नहीं, इनसे मुकाबला करने के लिए और रिकॉर्ड बनेगा। कुछ महिलाओं का रुख करते हैं और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर गर्मी बहुत है, टेम्परेचर जो है वो 40 के ऊपर ही है और बहुत गर्मी और उमस यहाँ पर हो रही है, लेकिन आप इन महिलाओं को देखिए, नजर डालिए, ये महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, पूरी तरह दुपट्टा सर पे ढका हुआ है, गर्मी से खुद को बचा रही हैं, लेकिन इंतजार है मोदी जी का, पूछते हैं इनसे कि आते वक्त झलक मिली कि नहीं, अब जाते वक्त उनको उम्मीद है, इन्हीं से रिएक्शन लेते हैं। मैडम, इतनी गर्मी में आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? मोदी जी का। अभी अंदर गए, झलक मिली आपको? हाँ, थोड़ी सी मिली, देखा। क्यों पसंद करते हैं मोदी जी को? उनका डेवलपमेंट इतना अच्छा है इसलिए। भाई साहब पीछे से लाइक कर रहे हैं। हाँ बताइए। उनका डेवलपमेंट इतना अच्छा, काशी का इतना विकास कर ले तो कर बे करी सब लोग। अरे वाह, बनारसी अंदाज, आप भी कुछ बता दीजिए क्यों पसंद है मोदी जी? वही जो ये बोली है वही चीजें हम भी बोलना चाहेंगे, इतना विकास और घाट पे इतनी अच्छी चीजें हुई हैं, तो इसीलिए हर चीज का डेवलपमेंट किए तो सब तो बनता ही है हर चीज। हाँ बिल्कुल। आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? अभी हम वोटर नहीं है, वोटर नहीं है। अरे कौन सी क्लास या उसमें ग्रेजुएशन पढ़ रही है? नहीं, 11th में। तो मतलब अभी देखिए, जो वोटर नहीं भी हैं उनकी अभी से ओपिनियन मोदी जी के लिए क्या है? आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वोट दे चुके हैं? एक बार भी नहीं। आप क्या कहेंगे? दो बार वोट दे चुके हैं, क्यों पसंद है मोदी जी? उनका काम, उनका हॉनेस्ट जो होता है वो चीज बहुत अच्छा लगता है उनका, मतलब ईमानदारी। हाँ, काशी आप यहीं की रहने वाली हैं, तो यहाँ पर जो 10 साल में विकास हुआ है उससे पहले क्या वजह थी जो ऐसा काम नहीं हुआ था? किसी ने सुध नहीं ली बनारस की? नहीं ली होगी तभी ना। हाँ, आप बताइए, इससे पहले किसी ने सुध नहीं ली बनारस की? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है। अच्छा, मोदी जी हाँ तो मुमकिन है। अच्छा, एक और है लड़की, वो खड़ी है, मैं चाहूंगी वो भी आगे आए। आइए आइए आइए। अच्छा, आप खुद ही बता दो, आप वोटर हो या अभी नहीं हो? वोटर हो, क्यों पसंद है मोदी जी? बस मोदी जी पसंद है। इतनी गर्मी में ये सर्दियों का स्टोल रखोगी तो और पसीना आएगा। कोई बात नहीं, मैं उनके लिए सब कुछ जायज है। अच्छा, तो ये लड़कियों की मतलब जो फर्स्ट टाइम नहीं है।
अभी देख पाए कि नहीं जब अंदर गए? यस मैम, देखा मैंने। तो अब क्या उम्मीदें हैं आगे आपको? अब आप चाहते हैं कि और 5 साल वो यहाँ पर रहें, तो क्या कामकाज चाहेंगे? बहुत अच्छा, आगे की भी करेंगे तो बहुत ही अच्छा करेंगे मैम। तो अपने शहर को लेके कुछ कहना चाहेंगी कि भाई यहाँ पे और क्या करवा दीजिए मोदी जी? मोदी जी के लिए बस यही है, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा ही करेंगे, उनसे यही उम्मीद है मेरी। अयोध्या जाने में जो 8 घंटे का टाइम लगता था, इस समय 3.5 से 4 घंटे का समय लगता है। रेलवे से डबल लाइन कर दिए, अब 3 घंटे में अयोध्या पहुँच जा रहे हैं। सुबह बैठते थे, शाम को कब पहुँचेंगे कोई पता नहीं लगता था, कि अब दूसरे दिन लौटना पड़ता था। हम बाई रोड जाते हैं अपनी गाड़ी से, 3 घंटे में पहुँच जाते हैं, और नहीं तो 8 घंटा लगता था। तो मतलब अयोध्या काशी बदलाव, हम अम्बेडकर नगर के रहने वाले, मेरा नाम आलोक मोदी है। मैं भी मोदी, अच्छा आप भी मोदी? मोदी हैं जी, मैं भी। तो आपकी भावनाएं तो नेक्स्ट लेवल पर होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, चरम सीमा पर। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और दिखाते हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी रोड के दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाएं। पुलिस की सिक्योरिटी के बावजूद, यहाँ पर बैरियर लगाने के बावजूद लोग इकट्ठा है, चिलचिलाती धूप में खड़े हुए हैं और सबके हाथ में मोबाइल फोन और कैमरे है। वो भी जानते हैं कि बस गाड़ियों का काफिला निकलेगा, गाड़ी के अंदर से प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करेंगे, लेकिन वो उसको भी अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। आप प्रधानमंत्री गाड़ी से तो निकलेंगे नहीं, आप क्या फोटो खींचेंगे? बताइए, कैमरा ऑन रखे हुए आप लोग? हम जब देखते हैं मोदी जी का काफिला जाता है, सारी पब्लिक का कैमरा ऑन हो जाता है, और आप भी जानते ही होंगे कि वो फोटो तो गाड़ी की मिलनी है, पर फिर भी इतनी धूप में खड़े हैं। एक सुकून रहेगा मैम कि कम से कम गाड़ी की फोटो हो गई, कुछ तो दिखेगा जूम करके। अच्छा। एक ये सुकून रहेगा कि उनको देखा हमने। जी। तो मतलब गाड़ी और काफिले की फोटो से ही खुश हो जाते हैं लोग। आप बताइए, आपकी भी भावनाएं ऐसी हैं कि आपके हाथ में मोबाइल फोन है? जी बिल्कुल, हम अपने भी कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं मोदी जी को, ताकि कुछ हल्का सा भी चेहरा उनका आए, बट आए। अब आप लोगों को एक बात बताती हूँ, आप लोगों के कैमरे की वजह से ना हमारे कैमरों को कभी कभी दिक्कत हो जाती है। मोदी जी के आते ही सब लोग जो लपक के पड़ते हैं, कई बार जो लाखों लोग हमारे उस तरफ देखते हैं वो बेचारे कभी कभी क्लियर इमेज नहीं पाते। लेकिन बहरहाल काशी की इमेज अब कहाँ आ पहुँची है प्रधानमंत्री जब से सांसद? काशी की इमेज तो बहुत है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम बहुत किया है शहर बनारस में, और बहुत अच्छी लहर भी है उनकी, देखने को मिल रहा है। ये रिकॉर्ड मतों से प्रधानमंत्री जी जीतेंगे यहाँ पे, और दूसरे जितने भी प्रत्याशी हैं सबकी जमानत जब्त हो जाएंगी। अजय राय जी हैं जो उनको यहाँ से चैलेंज कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि गंगा की सफाई को लेकर दावे झूठे हैं, मीडिया ठीक नहीं दिखाता, काशीवासियों की सोच अलग है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, उनके बातों में जरा से भी सच्चाई नहीं है। यहाँ पे सब जनता खुश है, एकदम मतलब गदगद है अपने सांसद को देखकर। 2% जनता है उनके साथ, पूरे काशी में, पूरे काशी में सिर्फ 2% जी, वो भी लकीर के फकीर वाले। मतलब आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं? तो हाँ, कांग्रेस की बात। सिर्फ 2% जनता है जो कि अजय राय के साथ है, और इसका दावा कर रहे हैं जो काशी वासी है जितने आस्था, वो यही कह रहे हैं कि इस बार तो बंपर जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। कल के रोड शो में और आज के नामांकन में कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, हम लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट में पहुंच चुके हैं, अपना नामांकन का जो एक पूरा प्रोसेस होता है उसे पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ रामगोपाल भी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, आप किस तरह की तस्वीरें काशी से दिखाएंगे, क्योंकि कल से लेकर आज तक हमने देखा कितनी तरह की तस्वीरें, जो काशी के रंग थे वो भी काशी के रंग दिखाई दे रहे थे इस रोड शो से लेकर नामांकन।